अली, एक और सवाल है कि कपल्स और भी हैं इंडस्ट्री में, वो अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, पार्टीज में जाते, तस्वीरें होती हैं, कोई किसी को पुल कर रहा है अब कपल में, कोई किसी को कर रहा है, मगर आप हमना का शायद पहला इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैंने गूगल वूगल भी किया तो आपके सिर्फ शादी की वीडियो है। वो बहुत मशहूर है, उसमें मशहूर वायरल वीडियो है वो। जब मैंने नया नया काम करना शुरू किया था तो कोई आके कहता था ना कि आप तो मेरे तो रहे पहचान गए, मुझे पहचान गए, आपकी शादी की वीडियो देखी हुई है हमने। हमारा बहुत होता था एक्चुअली, क्योंकि हम तब नया नया अली ने अपना करियर स्टार्ट किया तो हम कहीं जाते थे उन्हीं दिनों, दे वर अ वेरी नाइस ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स, निदा और जुनैद, उन्होंने हमारी वीडियो बनाई, वो भी यंगस्टर्स थे और उन्होंने खुद शौक से कि अच्छा तुम बादशाही मस्जिद में निकाह करोगी, मेरा पहला निकाह हुआ था जो फर्स्ट एवर निकाह जो बादशाही मस्जिद में हो रहा था, उससे पहले मैंने नहीं देखा था, अगर हो मेरे नॉलेज में नहीं है तो माय फोटोग्राफर गॉट रियली एक्साइटेड कि यार ये कवर करते हैं, ये मैं फ्री में कवर करूंगी, तुम बस परमिशन ले लो, और मैं आई वाज वर्किंग विद द चैनल माय सेल्फ तो वहाँ से मुझे परमिशन मिल गई क्योंकि वहाँ हम शोज वगैरह करते थे पहले, इस्लामी शोज, तो निकाह करना था, मैंने कोई इवेंट नहीं किया, बस सादा निकाह, तो वहाँ से फिर वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि एक्चुअली हमें लोग मिलते थे और अली बहुत लुक फॉरवर्ड करता था, मुझे पहचानेंगे, मेरे साथ पिक्चर के लिए आ रहे हैं, कहते हमने आपको कहाँ कहीं देखा है, और अली बड़ा होता था कि अब मैं बताता हूँ कि टीवी से शादी की वीडियो आपकी देखी थी, शादी की वीडियो में हीरो थी ना, तो वहां से वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। अच्छा सवाल था, कहानी बीच में आ गई, ये और चली गई, सवाल ये था कि जो कपल्स प्रोजेक्ट करते हैं, हमना का हमने कोई इंटरव्यू भी नहीं देखा जी, आप लोगों की जैसे हमारी बीवी की भी वही स्लाइड शो वाली तस्वीरों को बना दे तो बना दे के ताबिश और उनकी सादा बीवी चाहिए, बीवी नाराज रही मेरी, मैं सादा बीवी हूँ, मैं सादा बीवी, मैं पान हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं करते, कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या है, छुपा क्यों रहे इनको? देखिए हमें कपल थेरेपी की जरूरत ही नहीं है कि हम जाकर शो ऑफ करें, क्या बात कर कि हम कपल हैं, या आई थिंक कि कपल के बीच में और बहुत बड़े चीज़ें चल रही होती हैं जिनको आपने मैनेज करना होता है, बाकी वो मैंने एक जगह पे एक बात की थी कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था तो तब जानवरों की जोड़ियाँ बिका करती थी, वाह आज सेलिब्रिटीज की जोड़ियाँ बिकती हैं, इंसानों की जोड़ियाँ बिकती हैं, तो दौर बदल गया, अब इंसानों ने जानवरों को रिप्लेस कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है जिसका जिससे फायदा होता है अच्छी बात है, होता है। इस मौके पे मैं आफ्ताब की तरफ देखूंगा, इस कैमरे का नाम है आफ्ताब, मुझे बड़ा शौक था आफ्ताब से मिलने का, आपको उससे मिलने का शौक था, ये नया आया वो असल बंदा था, वो असल, ये भी असल है, ये आफ्ताब है, ये इस तरह की बातें पकड़ लेता है, जो आपने अभी कही, आपने बड़े प्यार से दूसरे कपल्स को जानवर कहा,